तो आप सभी को राम राम, छोड़ के आज से आराम शुरू करते हैं आज का व्लॉग, जिसको देखेंगे आप लोग। तो ये एक रोग नहीं, इसे एक शॉर्ट नॉलेज वीडियो कह सकते हैं, बिकॉज ये वीडियो है टोटली रिलेटेड हमारे विजिट पे। सो बेसिकली ये जो वीडियो है ये रिलेटेड है हमारे स्कूल प्रोजेक्ट विजिट पे। एक फील्ड विजिट थी हमारी सोलर एनर्जी से रिलेटेड, तो उसके कुछ मैंने क्लिप्स इकट्ठे किए हैं और एक व्लॉग बनाए ताकि आपको कुछ ज्ञान मिल सके। समझ रहे हैं, फील, ज्ञान, नॉलेज, जो कि आज के टाइम पे इस बुक इस नॉलेज से काफी ज्यादा जरूरी है। वैसे दिख रही होंगी किताबें, बोझ, बोझ नहीं, ज्ञान, किताबी ज्ञान। तो किताबी ज्ञान आसपास में ऐसे बिखरा हुआ है, बिल्कुल डरा रहा है किताबी ज्ञान मुझे। बट आपके लिए किताबी ज्ञान से अलग कुछ है जो कि आप इस फ्लॉग में देखेंगे। अगर वो आप नॉलेज लेने में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर ऐसे वीडियो को यहीं पे बंद कर दीजिए, खुले मन से हम आपको बोल रहे हैं। बट अगर इंटरेस्ट है तो पूरा देखिए। और एक जरूरी चीज मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, जिन फार्मर के यहाँ हम गए थे उन्होंने मोर देन 60 लाख इन्वेस्ट किए हैं अपने फार्म हाउस में। 60 लाख, इट इज सच अ ह्यूज अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड ओनली इन फार्मिंग। आप अगर 60 लाख आपको अगर मिले तो क्या नहीं कर सकते, एक बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इन्होंने पैसन था सिर्फ एक, ये उनका एक जुनून था। वो आर्मी से रिटायर्ड है, रिटायर होने के बाद जो भी उन्हें मिला सब कुछ उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने फार्म हाउस पे। और आज देखिएगा आप उनकी कैसे, क्या तगड़ा फार्म हाउस है। इट रियली मैटर्स, 60 लाख, मोर देन 60 लाख। वेलकम यू ऑल, दिस इज प्रियांशु चौधरी and this is Aditya Fogar and today we are going to show you our documentary on solar energy. So here we go. So here is the interview from owner of Poly Farm House which is situated in सूरजगढ़। हाँ, तो आप मतलब कब से ये यूज में लेना शुरू कर रहे हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं ये सब बताइए अंकल। 2012 में तो लगवाया था, जैन कंपनी का है और डीसी मोटर। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने 3 HP का ही कनेक्शन उपलब्ध कराया था, मतलब सब्सिडी के तौर पर जो किसान को दिया है ना। अभी 5 का दे रहे हैं लेकिन गहरा पानी जाने के बाद 3 का कोई खास सक्सेस नहीं। कंप्रेसर बनाते हैं, छोटी मोटर 3 HP की, थोड़ा पानी देता है, उसे इतना कामयाब नहीं होता, थोड़ा मदद ही मिल जाती है इस पानी से। और आपको सरकार ने कोई सब्सिडीज वगैरह दी होंगी? इसमें सब्सिडी दी थी स्टार्टिंग में, तो हमारे को तो 86% सब्सिडी दी थी। 86%? अच्छा। और जो आप पहले मतलब खेत में वो कुएं में से जो मोटर यूज में लेते थे और अब ये यूज में लेते हो तो कोई फायदा लगता है इनका? इनका फायदा ये है कि बगैर बिजली भी काम में ले लेते हैं इसको, कभी भी लाइट नहीं होनी चाहिए कोई। ये इसकी लंबाई चौड़ाई टोटल 4080 वर्ग मीटर है। अच्छा। इसमें इतना पानी आ जाता है तेज बारिश के टाइम पर, तो वो पानी को खेती में जाएगा, खेत बर्बाद होगा। हाँ। फसल बर्बाद होगी तो उसको पानी को इसमें इकट्ठा कर लेते हैं और फिर बाद में सिंचाई के लिए काम में लेते हैं। तो ये तो पानी भी बच रहा है, अपन काम में भी ले रहे हैं, काम में भी आ रहे हैं। ये जरूरी है, ये नहीं कि हम इसके बिना भी काम चला लेंगे तो पानी खराब करेगा, जाएगा कहाँ ये पानी। इसमें ये है कि दूसरा बीज आता है बाहर से, ताइवान वगैरह से। ये देखो ना, हाँ, ये धागे से नीचे से बोएंगे कतार तो कतार है, फिर धागे से ऊपर चढ़ करके ये तार लगा हुआ है। हाँ, इस तक भी चल जाता है और वापिस भी नार चल आता है इसका। अच्छा। खीरे का, खीरे का वैसे हम यदि ऐसे बोएंगे तो फैल जाएगा वो, नहीं तो खीरा दिखाई देगा और उतना फल भी नहीं आएगा। इसको स्पेस टू स्पेस मतलब 1.5-2 फीट की दूरी पर लगाएंगे एक पौधा। अच्छा। हर चीज को हवा भी चाहिए, थोड़ा स्पेस भी चाहिए, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से और तोड़ने में भी आसान, दूर से दिखाई देगा वो खीरा लगा हुआ। ऐसे उर्ज पुर्ज में जाएगा ना, नाड़ ऐसे नीचे पसर जाएगा तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देते, फल भी कम आएगा, उसमें फल कम आएगा। और इसके अंदर भी पानी वगैरह
पानी तो ये देखो ड्रिप इरिगेशन से, और इसके अंदर खीरे को बड़ा होने के बाद ज्यादा पानी चाहिए, छोटे को पानी बहुत कम चाहिए। इसको जब बारिश आ जाएगी ये नहीं होगा, खुले में बारिश आ जाएगी तो फंगस आ जाएगा, जड़ कट जाएगी उसकी, इसके पानी की लिमिटेड है। और दूसरा को से जीवाणु जर्म से रोग वगैरह वो भी कम आएगा, ढके रखेंगे तो। और हर चीज को धूप भी चाहिए, तो तरपाल के अंदर से धूप भी पास हो जाती है, ट्रांसपेरेंट है। और ये पूरा बनाने का मतलब खर्चा वगैरह कितना आया था स्टार्टिंग में? काफी खर्चा, इस टाइम तो इसका 40 लाख कोटेशन है, जिसमें 20 लाख सरकार दे रही है। 20 लाख अपने, और अपने ये सोलर प्लेट्स वगैरह इनका ये अलग है, इसका तो बताया था ना, अभी तो सब्सिडी कम है। हाँ, कम हो गई है अभी शायद, वो भी अभी भी छोटे बड़े किसान के लिए है, 50 या 60% ऐसी है किसी किसान की। तो शुरुआत में जब सरकार ने ये शुरू करवाया था तब ज्यादा सब्सिडी दी थी, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीद, 80% सब्सिडी थी। हाँ, तो अब जैसे जैसे अभी तो बढ़ रहा होगा ना अपने आस पास के एरिया में सोलर प्लेट वाला, बहुत बढ़ रहा है। तो इसके, और इसमें आपने खाद वगैरह भी डाल रखी है? देसी खाद डालते हैं तकरीबन हम। अच्छा, हाँ आपने वही गोबर से बनी हुई सब। और ये क्या चीज है? अंदर के लिए होगी ये? तो ये जुताई के लिए, पावर ड्रिलर। अच्छा, पावर बिल्डर बोलते हैं इसको। और ये मैं मशीन में सरकार वगैरह कोई हेल्प करती है या फिर खुद सब सारा खुद को लेके आना पड़ता है मशीन वगैरह? मशीन इसमें भी जैसे एग्रीकल्चर से संबंधित है ना, गेहूँ काटने की मशीन है ये, इसमें सब्सिडी है। ड्रिप इरिगेशन अंकल जी, ये सोलर से कनेक्टेड है या फिर वैसे अपनी मोटर से? दोनों तरफ से, दोनों से कनेक्टेड वॉल सिस्टम है। हाँ हाँ, ये दिखा रखे मर्च, मर्च इसको मर्च बोला जाता है थैली है। और इसको जैसे ये बड़ा होने के बाद उतार दिया। हाँ, लो टनलर जैसे सर्दी बोना है। हाँ हाँ, ये सरिया नहीं है। हाँ, इनके ऊपर और ऊपर से ढकते हैं। अच्छा, ये अभी है, अभी इसमें बोएंगे तो ढक्के बोना पड़ेगा अभी सर्दी। अच्छा, और फिर इसको हटा देंगे? हटा देंगे। तो ये जो ये वाला जो अपना है ये पाई, ये सरिया, ये तार, तो इसके ऊपर से वो दूसरी थैली आएगी और इस थैली से सर्दी से बचत रहेगी इनकी। लेकिन ये बड़ा हो गया, अभी इसको उतारना, अभी इसको उतारना पड़ेगा, अभी सर्दी मार गया इसको देखो। हाँ, ठंड से तो फिर क्या, तो जगह जगह जैसे ये सरिया। हाँ, अच्छे अच्छे रुको, इसके ऊपर पास। तो फिर ड्रिप भी अंकल जी थैली के नीचे से लेनी पड़ती है? आपने क्या बताया था किसके पेड़ है? जो इनके अंकल जी कैसे क्या फल लगते हैं और कैसे फूल कहीं कहीं थोड़े थोड़े चल रहे हैं किसी की। अच्छा, जैसे ये मामूली बाढ़ से तरफ फूल। हाँ हाँ, ये बनेंगे, ये बनेंगे, इनमें भी अपना पूरा ड्रिप इरिगेशन है। इसके अंदर दो टाइप के, नर भी है मादा भी। अच्छा, कुछ नर भी है, नर का भी अभी फलने नहीं लगा है, नर का फूल आने लग जाएगा उसके बाद ये इसका फूल का फल बनेगा। नर की लाइन है ये है नर का फूल, ये देखो, ये अभी खिला नहीं है, ये खिलेगा तो इसे हरा हरा सार वो दिखाई देगा दूर से। अच्छा, ये नहीं दिखाई देगा। हाँ अंकल जी, अभी खिला, ये खुद खिल जाएगा, खिलने से थोड़ा जड़ेगा ऐसे आवाज है ऐसे। हाँ, वो हम फूंक मारते हैं तो हो सकता है कोई कोई खिलाओ अभी गलती से, सब ये एक साथ नहीं खिलते, कोई आगे पीछे खिलता, ये नर का है, ये खिलना शुरू हुआ है थोड़ा सा। हाँ, और भी फिर जड़ना लग जाएगा ये जैसे ये है। ये हाँ, आता है ना। हाँ 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 जी, ये आवाज से परागण होता है इसके। और ये ऐसे फिर ये सारे पौधों पे फल लग जाते हैं इनसे? ये मगर ये तो ओनली कुछ 10% है, तो बाकी से इनिशियल इसका डायरेक्शन है 40 मीटर एक लाइन के, 40 मीटर इधर, 40 मीटर इधर। अच्छा, तो ये टोटल हमारे वहाँ तक 4 ही लाइन है। अच्छा, वैसे गलती से तो कोई पौधा लगा हुआ है वो बात अलग है। इसकी क्या होती है, नर की कलम न लगा करके सीधा बीज लगाते हैं। अच्छा, बीज हम तैयार करेंगे तो उसमें 50% का रेशा होता है, लगभग 50% नर बनेंगे, 50% मादा बनेंगे, और जो बाकी मादा है वो मादा की कलम कटिंग करके तैयार किया हुआ पौधा। अच्छा, कटिंग सिस्टम से तैयार किया हुआ। मेन बढ़ता है हाई स्पीड गियर ऑयल, हाई स्पीड इसलिए बोलते, इसमें हीट ऑब्जर्व करने की शक्ति ज्यादा है, तो जैसे हवाई जहाज वगैरह है ना इनमें गियर मेन तो वो बढ़ता है, बाकी कॉस्मेटिक चीज कई चीजों में काम आता है। अच्छा, कई चर्म रोग में भी ये तेल काम आता है, जैसे शैम्पू क्रीम कोई महंगा साबुन में भी यूज करते हैं इसको। और अंकल जी नाम क्या बताया था आपने? जोजोबा 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 का तेल। इनकी लाइफ मतलब कितने साल तक? लाइफ लंबी है इसकी,
अच्छा, इसीलिए मतलब एक बार लगा दिया तो एक बार काम फिट हो जाएगा। वैसे तो 100-150 साल बताते हैं तो कृषि विशेषज्ञ तो, लेकिन लंबी उम्र है, बढ़ता भी धीरे है, बढ़ता भी धीरे है। वैसे दूसरा अपने नींबू संतरा मौसमी लगाते हैं, ये 15-20 साल में खत्म हो जाता है, इसकी उम्र ज्यादा है ये। मैं। पूरा बढ़ जाता है। क्या और होगा था? अच्छा, तो फिर मतलब ये काफी बढ़िया चीज कर रखी है, ये सबसे बढ़िया, काफी पानी भी बचता है और फसल पानी को रोकने का साधन ज्यादा। हाँ, अपनी फसल भी बचा रहा है, पानी भी बचा रहा है, दोनों ही काम हो रहे हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज व्लॉग। अगर आप बचे हैं तो यहाँ तक, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग पहुंचे होंगे, क्योंकि हमारा वॉच टाइम तो आता ही नहीं है, सब्सक्राइब लोग करते नहीं है। बट माई वर्क इज टू मेक वीडियोज फॉर यू एंड आई एम मेकिंग। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल। Stay tuned, stay focused, and remember that your hard work is directly proportional to your success. Boom, 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 boom. Martha, jump. Kadesh, start. Yeah, yeah, yeah. Ruk ja, ruk ja.